Mukesh Ambani has resigned from the board of his group's telecom arm Reliance Jio on Tuesday. Mukesh Ambani has resigned from the board of his $217 billion group's telecom arm Reliance Jio. रिलायंस का स्टॉक 1 जुलाई को 8% गिर गया। ये पिछले कुछ सालों में रिलायंस की हिस्ट्री में वन ऑफ द वर्स्ट इंट्राडे फॉल्स रहा है। 1.3 लाख करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट वेल्थ वाइप आउट हो गई। कुछ दिनों पहले ही ये भी न्यूज़ आई कि मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो के चेयरमैन की पोजीशन छोड़ दी है। देयर इज अ लॉट दैट इज गोइंग ऑन इन दिस कंपनी राइट नाउ। आज के वीडियो में हम इन्हीं सारी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्टली वी विल डिस्कस द रीज़न कि क्यों रिलायंस में इतना बड़ा इंट्राडे फॉल आया। देन वी विल टॉक अबाउट द सक्सेशन प्लान ऑफ रिलायंस एंड लास्ट में वी विल डिस्कस कि क्या इस टाइम पे रिलायंस एक अच्छी एंड अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट है या नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो चलिए पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि रिलायंस में इतना बड़ा इंट्राडे फॉल क्यों आया। गवर्नमेंट ने डीजल, पेट्रोलियम और एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जो बेसिकली एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स में यूज़ किया जाता है, इन सभी के एक्सपोर्ट पर टैक्सेस लगा दिए। डीजल के एक्सपोर्ट पर 13 रुपीस पर लीटर का टैक्स लगा दिया गया और पेट्रोलियम और ATF के एक्सपोर्ट पर 6 रुपीस पर लीटर का टैक्स लगा दिया गया। यानी कि अगर कोई फॉरेन कंट्री इंडिया से पेट्रोल खरीदना चाहती है तो जो पेट्रोल उससे पहले 100 रुपये में मिलता था, वही पेट्रोल उसे अब 106 रुपये में मिलेगा। इसका इम्प्लीकेशन समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि कंट्रीज एक बार में 1 लीटर, 10 लीटर, 100 लीटर इस क्वांटिटी में इंपोर्ट नहीं करती हैं। कंट्रीज एक बार में हजारों, लाखों लीटर ऑयल खरीदती है। इसलिए इंडिया से अब ऑयल खरीदना फॉरेन कंट्रीज के लिए ज़्यादा महंगा पड़ेगा। नाउ बिकॉज रिलायंस अपना 90% से भी ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करती है, इसीलिए ये न्यूज़ रिलायंस के लिए काफ़ी नेगेटिव थी। इसीलिए हमें रिलायंस के स्टॉक में इतनी भारी गिरावट देखने को मिली। कुछ ही दिनों पहले ये न्यूज़ आई थी कि रशिया इंडिया को चीप रेट्स में ऑयल सप्लाई करने के लिए रेडी है, वो भी उस टाइम पर जब या तो वो मेजॉरिटी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करना कम्प्लीटली बंद कर चुका था या तो काफ़ी एक्सपेंसिव रेट्स पर एक्सपोर्ट कर रहा था। ऐसे में इंडियन बिजनेसेस के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी सामने आई कि वो रशिया से चीप रेट्स में ऑयल खरीद कर बाहर की कंट्रीज़ को अच्छे रेट्स पे सेल करके काफ़ी हाई प्रॉफिट मार्जिन्स अर्न कर ले। बट नाउ बिकॉज ऑफ दीज एक्सपोर्ट टैक्सेस, इनके एक्सपोर्ट रेवेन्यूज पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा एंड इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन्स भी रिड्यूस हो सकते हैं। आई एम श्योर अब सबको पता ही है कि इंडिया में फ्यूल प्राइजेस कितने अनकंट्रोलेबली बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अगर रिलायंस जैसी कंपनीज अपना 90% से भी ज़्यादा प्रोड्यूस बाहर सेल कर देगी तो इंडिया के डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स का क्या होगा। इसी चीज़ को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट टैक्सेस लगाए ताकि वो एक्सपोर्ट डिसकरेज कर सके और इंडिया के डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो। इसी वजह से ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में हमें डोमेस्टिक फ्यूल प्राइसेस कंट्रोल में आते हुए दिखे। इस टैक्स पॉलिसी की वजह से गवर्नमेंट अप्रॉक्सीमेटली $12 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करे। ये तो था इंट्राडे फॉल का रीज़न। बट अलॉन्ग विद दिस, रिलायंस इंडस्ट्री में एक और मेजर चेंज आ रहा है जो उसके फ्यूचर को इम्पैक्ट कर सकता है। मुकेश अंबानी हैज स्टेप डाउन फ्रॉम द पोजिशन ऑफ चेयरमैन ऑफ रिलायंस जियो एंड उन्होंने अपने बड़े बेटे आकाश अंबानी को रिलायंस जियो का चेयरमैन बना दिया है। इसके साथ साथ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मुकेश अंबानी अपनी बड़ी बेटी ईशा अंबानी को रिलायंस रिटेल का चेयरपर्सन बनाएंगे और उनके छोटे बेटे आनंद अंबानी को O2C यानी कि ऑयल टू केमिकल बिजनेस एंड सारी न्यू एनर्जी बिजनेस का चेयरपर्सन बनाएंगे। बट मुकेश अंबानी विल स्टिल रिमेन द चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड उनकी वाइफ नीता अंबानी अभी भी रिलायंस की बोर्ड मेंबर रहेंगी। लेकिन मुकेश अंबानी अभी सिर्फ 65 ईयर्स के हैं और अभी से ही चेयरमैन की पोजीशन क्विट करके अपने बच्चों को दे देना थोड़ा ज़्यादा शॉकिंग लगा। बट जब बात $208 बिलियन एम्पायर की होती है तब सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट होती है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मुकेश अंबानी सालों से बिलियनर फैमिलीज को स्टडी कर रहे हैं ये देखने के लिए कि कैसे दुनिया की सबसे रिचेस्ट फैमिलीज अपनी वेल्थ नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करती है। उनके लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है वॉल्टन फैमिली जो वॉलमार्ट की मालिक है। मुकेश अंबानी अपने सक्सेशन प्लान में वॉल्टन फैमिली के काफ़ी सारे एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं।
सैम वॉल्टन ने उनकी डेथ से 40 इयर्स पहले ही उनके बिजनेस की सक्सेशन की प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी और उनके 4 बच्चों को बिजनेस का 80% कंट्रोल पास ऑन कर दिया था। ऐसा करने से ही मेड श्योर कि उनकी सडन डेथ की वजह से स्टॉक प्राइसेस क्रैश ना हो जाए और कोई बाहर वाला आकर उनके बिजनेस का कंट्रोल नहीं ले ले। इसी रीजन की वजह से वॉलमार्ट आज दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल चेन है और आज भी वॉलमार्ट का मेजॉरिटी कंट्रोल वॉल्टन फैमिली के पास है। नाउ लेट्स आंसर द बिगेस्ट क्वेश्चन, इज रिलायंस एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट राइट नाउ? तो इसका शॉर्ट एंड सिंपल आंसर इज येस, ऑफ कोर्स इट इज़ एन अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट। एक्सपोर्ट टैक्स की न्यूज़ की वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैनिक और नेगेटिविटी क्रिएट हो गई है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रिलायंस में फंडामेंटली कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी कम हो, बट इफ़ यू आर अ वैल्यू इन्वेस्टर तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट टैक्स की वजह से रिलायंस की लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट पर कुछ भी फर्क नहीं आया है। ऑयल एक्सपोर्ट करना तो रिलायंस के बिजनेस का सिर्फ एक सेगमेंट है, लेकिन रिलायंस के बिजनेस के बाकी सेगमेंट्स जैसे कि रिटेल, टेलीकॉम, ये सब इस न्यूज से कम्प्लीटली अनअफेक्टेड हैं। गवर्नमेंट ने मई 2022 में पेट्रोल पर 8 रुपीस का एक्साइज टैक्स कम कर दिया था। उसी को ऑफसेट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है। गवर्नमेंट हर 15 डेज में अपनी टैक्स पॉलिसी को रिव्यू करती है, सो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि अगर पहले के टैक्स लॉसेस ऑफसेट हो जाए तो गवर्नमेंट वापस से ये एक्सपोर्ट टैक्सेस को कम कर सकती है। अगर हम रिलायंस के शॉर्ट टर्म टारगेट्स के बारे में बात करें एज ऑन द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फॉर ऑल द ट्रेडर्स आउट देयर, तो रिलायंस करेंटली 2430 पे ट्रेड हो रहा है, इमीडिएटली अबव द की सपोर्ट लेवल ऑफ 2370, जिसे ब्रेक करने पर रिलायंस का अगला टारगेट 2260 का बन रहा है। एंड इन केस रिलायंस इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो वी कैन सी टारगेट्स ऑफ 2180 एंड 2070 इन वेरी शॉर्ट टर्म। अगर आप रिलायंस के चार्ट को ठीक से देखते हैं तो आप नोटिस करेंगे दैट रिलायंस हैज फॉर्म्ड अ डबल टॉप पैटर्न ऑन द डेली टाइम फ्रेम, जिसे एक बहुत अच्छा रिवर्सल पैटर्न माना जाता है, विच मीन्स दैट इन केस रिलायंस ब्रेक्स 2370 देन रिलायंस का ट्रेंड चेंज होके पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप रिलायंस को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर रहे हैं देन यू कैन कीप एक्यूमुलेटिंग क्वान्टिटीज एट ऑल द शेयर लेवल्स एंड कीप होल्डिंग दिस जेम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। So that was it for today's video. If you learned something, then make sure you subscribe to the channel and we'll see you next time. Thank you.